बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल तनु किचन। चलिए आज हम बना लेंगे मटन शीक कबाब। ये आधा किलो मटन ले लिया हम लोगों। मटन को अच्छे से धो के ग्राइंड कर लिए, बारीक है ये बहुत। 3 चम्मच काजू का पाउडर, 2 चम्मच बेसन, 3 से 4 हरी मिर्ची के पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ग्राइंड करी हुई। चलिए बनाना शुरू करेंगे मटन शीक कबाब। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डालने के टाइम डायरेक्ट बता दूँ। मटन में हम प्याज ऐड कर लेंगे ग्राइंड कर लिए, सो हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर लेंगे, बेसन ऐड कर लेंगे, काजू का पाउडर ऐड कर लेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे, 2 चम्मच दही भी ऐड कर लेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर लेंगे, मटन मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया हमने खीमे को। अब हम शीक कबाब बनाना शुरू करेंगे, मटन शीक कबाब। सबसे पहले हम थोड़ा ले लेंगे खीमा। ये देखिए शीक, ये ऑनलाइन मिल जाती है अपने को। ये देखिए इस तरीके से कबाब बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से शीक कबाब बना के रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह कितना बेहतरीन दिख रहा। इसी तरीके से पूरे शीक कबाब बना के रेडी कर लेंगे। शीक कबाब रेडी हुए जब तक हम हरा धनिया की चटनी रेडी कर लेंगे। ग्राइंडर के जार में 4 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे, 2 चम्मच दही ऐड कर लेंगे। अगर अपने पास दही नहीं है तो मेयोनीज या नींबू भी ऐड कर सकते अपन दही की जगह पे। 1 चम्मच भून लेंगे जीरा, वो भी ऐड कर लेंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियां ऐड कर लेंगे, नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, बिना पानी के ग्राइंड करना है अपने को। ये चटनी को ग्राइंड करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए हरे धनिया की चटनी बन के रेडी हो गई माशाल्लाह। दूसरी तरफ शीक कबाब भी बन के रेडी हो गए। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक पैन में 1 कप तेल ले लेंगे, गरम को रख देंगे तेल को। ये देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे शीक कबाब। ये देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन दिख रहे शीक कबाब। आप ना भी इस तरीके से बना के देखिए शीक कबाब, बहुत ही बेहतरीन बनते। अगर मेरे रेसिपीज आप लोगों को अच्छे दिख रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए अच्छे से रेडी हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे माशाल्लाह। नेक्स्ट ट्रिप भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे शीक कबाब। अब हम ये शीक कबाबों को लाउस के शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे माशाल्लाह। इसी तरीके से पूरे शीक कबाब लाउस के शेप में कट करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट ट्रिप भी अच्छे से फ्राई हो गए शीक कबाब। इसको भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें बटर को मेल्ट करके ऐड कर लेंगे माशाल्लाह। कितना बेहतरीन दिख रहा शीक कबाब। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही बेहतरीन बनते शीक कबाब माशाल्लाह। ये देखिए शाइनिंग कितनी अच्छी दिख रही है शीक कबाब में माशाल्लाह।
ये देखिए मटन शीक कबाब बन के रेडी हो गया, इसके संगत हरे धनिया की चटनी। माशाल्लाह ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।